जब से मैंने नया किचन बनाया है तब से सब फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आप अपना किचन हमें दिखाइए। तो मेरा ये फ्लैट मेरे ही बिल्डिंग में है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ शूटिंग के लिए लिया है, क्योंकि मेरा जो पुराना किचन था वो बहुत छोटा था और इसमें इतना सारा सामान था कि बहुत कंजस्टेड हो गया था। और जब मैं शूटिंग करती थी तो कोई अंदर भी नहीं आ सकता था और कोई बातें भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बोलकर शूटिंग करती थी। तो सुबह सुबह सबको काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन सब सपोर्ट करते थे, समझते थे। और मैं प्रोडक्ट प्रमोशन इतना करती थी तो मेरा वो सामान भी काफ़ी बढ़ गया था, तो वहाँ पर सब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरे ही बिल्डिंग में मुझे एक फ्लैट मिल गया तो मैंने वो ले लिया। तो मैंने जब फ्लैट लिया था तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी, और इसमें से मुझे अपनी पसंद के हिसाब से सब किचन बनाना था, और किचन को रेडी होने में भी 2 महीने लग गए थे। तो ये मेरा किचन मैंने सिर्फ स्टूडियो जैसा बनाया है, लेकिन स्टूडियो टाइप है नहीं, क्योंकि यहाँ भी कोई टीम नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। मेरा मोबाइल वही है, मेरा एक ही स्टैंड है, एक ही लाइट है, और उसी से ही मैं पुराने किचन में भी शूट करती थी और यहाँ पर भी मैं ही शूट करती हूँ। और यहाँ मुझे शूट करना इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर मैं अपने टाइम के हिसाब से शूट कर सकती हूँ। और दोनों किचन को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर भी सुबह सुबह टिफिन वगैरह सब कुछ रहता है, ब्रेकफास्ट रहता है, वो सब बनाकर मैं तुरंत यहाँ पर आती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद भी मुझे सब वही स्टार्ट करना होता है, और आते आते मुझे जो बनाना होता है वो सब नीचे से लेकर आती हूँ। कुछ सब्जियाँ चाहिए, कुछ भी चाहिए जो घर पे नहीं होता है वो मैं लेकर आती हूँ, और फिर तुरंत मैं यहाँ पर बनाती हूँ। 1 मिनट भी मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बैठ जाऊँगी तो फिर आलस आती है और फिर मैं शूटिंग नहीं कर पाती। तो इतना सब काम करने के बाद मैं यहाँ पर भी इतना ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर शूटिंग जो मैं करती हूँ वो 1 से 2 बजे तक मेरा शूटिंग चलता है, और उसके बाद एडिटिंग करती हूँ और 4 बजे आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। लेकिन मैंने जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी तब एक ही सपना देखा था कि मेरा भी एक अलग से किचन हो जहाँ मैं शांति से शूट कर सकूँ। तो आज मेरा सपना इतनी मेहनत के बाद पूरा हुआ है। और स्टार्टिंग में तो मैं 3:30 बजे उठकर एडिटिंग करती थी, और फिर जब मैंने टिफिन सीरीज स्टार्ट की उसके बाद मैं 4:30 बजे उठती थी और सब बनाकर एडिट करके आपके साथ वीडियो शेयर करती थी। तो जितना आपको वीडियो देखने में आसान लगता है, हमारे लिए इतना ही मुश्किल होता है। और आज मुझे ये कहने में भी गर्व होता है कि जो भी मैंने आज ये किचन बनाया है वो अपनी मेहनत से बनाया है, और घर में सबका सपोर्ट था तब मैंने ये सब बनाया है, और स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहता है। तो तोड़फोड़ के बाद मॉड्यूलर किचन का काम चला। तो मॉड्यूलर किचन जो मैंने बनाया है वो मरीन प्लाई से बनाया है, तो ये वुडन है और मैंने ऑर्डर देकर बनवाया था, तो वो लोग सब रेडी करके आते हैं और लगाने में उनको सिर्फ 2 से 3 दिन लगता है। तो ये मैंने हेमंत भाई से बनाया था, और बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट्स करके कहा भी था कि आपने जो किचन बनाया था उसका नंबर भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप मुंबई में रहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जब तक मेरा किचन का काम चल रहा था तो साइड में मैंने शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने नया ओवन, फ्रीज, गैस स्टोव सब नया लिया था, और शॉपिंग के लिए मैं एक बार भाईंदर भी गई थी, लेकिन वहाँ पर मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मोस्टली मैंने जो अपनी शॉपिंग थी वो क्रॉफर्ड मार्केट से की है, और उसकी रील तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। तो इतनी मेहनत के बाद फाइनली मेरा किचन रेडी हो गया है। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं, ये मेरा लिविंग रूम है और इसके सामने ये आपको बालकनी दिख रही है। तो लिविंग रूम में भी अभी कुछ खास है नहीं, कुछ भी मैंने रखा नहीं है। तो ये मेरा स्टैंड और लाइट है जो मैं वहाँ भी यूज़ करती थी, और यहाँ पर भी मैं इसी से ही शूटिंग करती हूँ। और नई लाइट और नया स्टैंड भी मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे इतना पसंद नहीं है, और मुझे सबसे ज़्यादा मेरी बालकनी पसंद है। तो इसमें भी मैंने थोड़ी से प्लांटेशन किया है, और प्लांट्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस मुझे पसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े से प्लांट्स लगाए हैं। और मेरी बालकनी का व्यू भी बहुत अच्छा है, माउंटेन व्यू है, तो मुझे मेरे दोनों घर बहुत पसंद है। तो पहले मैं वीडियो में यहाँ पर थोड़ी सी अलग चीज़ें रखती थी, लेकिन वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी। सोच रही थी कि यहाँ पर क्या रखूँ क्या रखूँ, तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो ये वॉल पीस तो मम्मी ने दिया था वही है, और यहाँ पर मैंने सिल्वर बटन जो मुझे मिला था वो रखा है। तो ये मेरा कुकिंग प्लेटफॉर्म हो गया, और उसी प्लेटफॉर्म के सामने ये सब कैबिनेट है।
तो आज इन सब में मैंने क्या रखा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सामने जो आपको दरवाजा दिख रहा है वो बेडरूम है, और प्लेटफॉर्म के सामने मेरा पेंट्री स्टोरेज और फ्रीज आ गया। तो फ्रीज में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है। जितना शूटिंग के लिए मुझे चाहिए वही चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। तो फ्रीज़र तो मेरा पूरा खाली है, और फ्रीज में भी थोड़ी सी ही चीज़ें मैंने रखी है। तो जो अलग अलग आटा है वो सब मैंने फ्रीज में रखा है, थोड़े से सॉस है, तो और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। और पेंट्री स्टोरेज तो मैंने आपके साथ शेयर किया था रील में, तो यहाँ पर मेरे सब दाल चावल वो सब आ गया, और यहाँ पर मेरे जो मसाले हैं भोज के वो सब है। और पेंट्री स्टोरेज की दूसरी साइड है, वहाँ पर मैंने बेकिंग की सब चीज़ें रखी है जो शूटिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर रखी है। तो ये मेरा पूरा पेंट्री स्टोरेज है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। और कुछ कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि आप शो ऑफ बहुत कर रहे हो, लेकिन शो ऑफ करने जैसी कुछ बात ही नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने ली है वो क्रॉफर्ड मार्केट में जाकर सेल से लिया है, अभी तक मैंने ऐसी कोई महंगी वाली चीज़ ली नहीं है जो मैं शो ऑफ करूं। और इस तरह के लटकन लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज मैंने यहाँ पर सिल्वर बटन भी लगाया है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बार बोलता है कि मम्मी आपको सिल्वर बटन मिला है तो आप लगा दो ना, लेकिन मैंने उसको बोला था कि जब गोल्डन बटन आएगा तब दोनों साथ में लगाऊंगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स इस ट्रे के बारे में पूछते हैं, तो ये मेरा जो ओवन है इसके साथ ही आया था, इसलिए मेरे पास इसकी कोई लिंक नहीं है। और ये मेरा पेपर सोल्ट वाला मिर्ची है जो मैंने क्रॉफर्ड मार्केट से 200 में लिया था। और मसाले का जो मेरा डिब्बा है इसके बारे में तो बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं, तो ये मैंने भुलेश्वर स्टील मार्केट से लिया था। अब प्लेटफॉर्म के नीचे जो कैबिनेट है इसमें मैंने क्या रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट वाला है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेंडर है, और ये वाले कैबिनेट में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर मुझे इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि सिर्फ शूटिंग का ही सामान मैंने रखा है, तो एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे काम ना आए। और नीचे मैंने कुकर वो सब रखा है, और ये वाले कैबिनेट में अभी मैंने जो क्रोकरी ली है वो रखी है। तो क्रॉफर्ड मार्केट के आगे जो मुसाफिर खाना है वहाँ से मैंने ये सब लिया है, तो ये सब मैंने सेल में से लिया था। और इसके नीचे मेरे थोड़े से स्टील के बर्तन हैं, और यहाँ पर मेरी सर्विंग प्लेट वगैरह सब कुछ है, तवा है। और ये वाले कैबिनेट में मैंने फ्लोरिना के सब नैपकिन वगैरह सब कुछ रखा है। और इस तरह से रखने का एक रीज़न है ताकि व्यूवर्स को पता चले कि फ्लोरिना के पास कितनी वेराइटी है। और मेरे पास और कुछ यहाँ पर ज़्यादा सामान नहीं है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ही रख दिया है। और दूसरा जो कैबिनेट है इसमें मैंने ओडी के सब प्रोडक्ट रखे हैं, और यहाँ पर मेरे सब एप्रन है। और ग्लास वाला जो गैस स्टोव है वो तो मैं अपने घर पर भी यूज़ करती हूँ, और स्टील का मैंने बहुत आगे भी यूज़ किया था, तो ये भी स्टील का है लेकिन मैट फिनिशिंग वाला है, तो मुझे ऐसा ही गैस स्टोव चाहिए था, और ये ग्लेन का है। अब सामने के जो कैबिनेट है इसमें भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें रखी है, लेकिन अभी इसका अरेंजमेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़े दिन में शायद मैं इसे चेंज भी करूँगी। तो ऊपर मैंने बीटर रखा है, मेरा हैंड ब्लेंडर है, और वेट स्केल मशीन है, और यहाँ पर मेरे मिट्टी के बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, और पित्तल के बर्तन हैं जिसका मैं शूटिंग में यूज़ करती हूँ। और इसके नीचे वाला जो कैबिनेट है इसमें मैंने थोड़े से नॉनस्टिक बर्तन रखे हैं, और एक इलेक्ट्रिक कुकर है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सजावट की चीज़ें रखी है, तो इसमें कुछ भी है नहीं, सिर्फ ऐसे ही मैंने रखा है, तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो मैंने मिट्टी के रखे हैं बर्तन वो मुझे इतने पसंद नहीं है, तो ये भी मैं चेंज करूँगी, लेकिन ढूंढ रही हूँ कि वहाँ पे मैं क्या रखूँ। और मेरा जो ओवन है वो उषा का है, 60 लीटर का है, और OTG है। और ओवन के बाजू में जो कैबिनेट है वहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी इलेक्ट्रिक चीज़ें रखी है, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कुकर है, एयर फ्रायर है, मिक्सर है, सब लिब्रा का है। और इसके नीचे मैंने एक विकर बास्केट लगाया है जो इतने काम का नहीं है, लेकिन ये दिखने में अच्छा लगता है तो मैंने लगवा लिया था। और इसके नीचे मैं जो ऑयल यूज़ करती हूँ वो सब मैंने रखा है। अब जो ओवन के नीचे वाले कैबिनेट है इसमें मैंने क्या रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो फर्स्ट वाला कैबिनेट है इसमें भी मेरा ओवन है, तो इसमें भी ओवन एयर फ्रायर सब साथ में है, और ये भी बहुत अच्छा है। और ये गीक एरोकुक का है, और आगे इसका मैंने एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। और नीचे मैंने जो कढ़ाई यूज़ करती हूँ वो रखी है। और बाजू वाला जो कैबिनेट है वहाँ पर मैंने गोल्डन स्पून रखा है, स्टील के स्पून रखे हैं, स्पेचुला रखे हैं,
और जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो सब मैंने यहाँ पर रखी है। और नीचे वाले ड्रॉअर में मेरे अलग अलग स्ट्रेनर हैं और स्लाइज़र हैं, और इसके नीचे मेरे थोड़े से वुडन बर्तन हैं और ग्लास लीड है, तो वो सब मैंने यहाँ पर रखा है। और सिंक के नीचे कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, यहाँ पर भी स्टोरेज बन सकता है लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और किचन में जो स्लाइडिंग है इसके बाहर भी मैंने थोड़ा सा स्टोरेज किया है, तो जो हैवी बर्तन है, कास्ट आयरन के बर्तन है, वो सब मैंने यहाँ पर रखा है। और किचन का जो एक्स्ट्रा सामान है वो भी मैंने यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई है। तो ये मेरी मेहनत, घर में सबका सपोर्ट और आप सबका प्यार है जिसकी वजह से आज मुझे ये फल मिला है। और किचन में काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी तो मुझे उतनी टाइल्स भी चेंज करनी पड़ी थी, तो ये भी वुडन फिनिशिंग वाली टाइल्स ही है। तो बस ये मेरा किचन था, तो आपको मेरा किचन कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।